ये अभी तुम गैस तो तुमने कर ही लिया होगा कौन सी है, तो अभी इसको हटा के दिखाएंगे कौन सी लग रही है बता भाई, सबको पता है कौन सी है, तुझे कौन सी लग रही है बताओ, तुम बताओ, इतने कमेंट कर दो भाई। Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, कैसे आप सब। तो भाई आज की शुरुआत हमारी इतने बढ़िया मौसम से हुई है, पीछे देख लो भाई पूरी रिमझिम करती बारिश आई है और एकदम बढ़िया हवा, और ये पता नहीं टॉवल भाई किसका ऊपर से गिर गया है। सो गाइस तूफी इज बैक और ये काट रहा है। सिट सिट सिट, गुड बाय गुड बाय, शेकेन। ये देखो इसके हाथ पर मोले का धागा बांध दिया उन्होंने। वेरी स्वीट बॉय, यू आर ए वेरी गुड बॉय। बस यार तो फिर हो, बस यार सॉरी तो आगे से आप काम नहीं करोगे ना राहुल भाई, पापा ना मेरे को छोड़ाएंगे, आपकी वजह से मेरे को सजा मिलती है। अबकी बार इसको नहीं, अबकी बार तुम काम नहीं करोगे ना, तुम्हें छोड़ के आएंगे, सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, हमने तो गलत निर्णय ले लिया था। सही बात है। तो भैया बिना सुबह के 8 बजे और अब हम उठ चुके हैं। रुक जाओ। तो भाई सबसे मेन बात आज है अपना सरप्राइज डे, आज भाई हमें भी और आप लोगों को भी एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज मिलने वाला है। तो ठीक है, मैं रेडी हूं। क्या है बताइए, आर यू हैप्पी? नहीं बताएंगे ऐसे आपको, अगर बता दिया तो नहीं मजा नहीं आएगा ना। ना कोई बर्थडे आसपास में, ना कोई मेरी सालगिरह, बस आप देखते जाओ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ थोड़ा बैंक के काम से, क्योंकि अपना जो भी सरप्राइज है आप लोगों के लिए उसके लिए थोड़ा सा कैश वैश की थोड़ा जरूरत पड़ेगी, तो उसी काम से बस जा रहा हूँ। बारिश बढ़िया सी आ रही है। सीन ये है कि एक भी एटीएम नहीं चल रहा है यार, बताओ किसी को इमरजेंसी के लिए पैसे निकालने पड़ जाए तो वो कहाँ से निकालेगा फिर। चलो हमें तो और कुछ करना है, पर इमरजेंसी में कोई कहाँ से क्या करेगा, एक भी एटीएम नहीं चल रहा। अभी तक 5 एटीएम पे जा चुका हूँ, सब में किसी में सर्वर डाउन, किसी में कैश नहीं है, किसी की मशीन में ऑफलाइन लिखा रहा है, पता ही नहीं यार क्या चक्कर है। फाइनली ये वाला एटीएम हमें थोड़ा चलता मिला है, पर यहाँ पे आने के बाद क्या सीन हुआ ना, पासवर्ड ही भूल गया भाई मैं, तो पता नहीं एकदम से क्या हुआ, पासवर्ड ही 2 बार गलत भर दिया, अब एक लास्ट बार याद आया हमें, ठीक है वो वाला ट्राई करके देख रहे हैं। साथ में भाई अपने पापा जी भी आ चुके हैं, सुबह नहा लिया आप? नहीं, आज पापा बिना नहाए कह रहे हैं जाएंगे, ठंडा पानी कह रहे, लग रहा है बहुत ज़्यादा बारिश इतनी आ रही थी, अभी तो बंद हो गई, लेकिन मस्त मौसम हो गया आज, सरप्राइज आ रहे ना तो बढ़िया मौसम हो गया आज। राधे राधे सभी को। गाइज अब देखो राहुल भी उठ गया, अब कल डांट पड़ी ना बेटा, आज ये सही टाइम पे उठ गया, देखो सही टाइम पे उठ लिए और अपना भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बैंक के काम में भाई इतनी देर लग गई कि क्या ही बताएं, अभी तक भी पापा बैंक में ही है और मैं घर पे आके जल्दी से नहा लिया, अब वापस पापा को लेने के लिए जाऊंगा खाना खा के। सारे गाइज यूं कहेंगे कि राहुल बेड पे बैठ कर कभी खाना नहीं खाते। अब इसके ना हर चीजें तुम्हें ना दिखाया करूंगी, तब तुम्हें होगी भाई। नहीं नहीं तुम्हें पता चल जाएगा गलती होगी भाई, कि ये क्या क्या गलतियां करता है, तब सुधारेगा तू। अरे यार मम्मी अब दिखा रहा हूँ ना। हर पल तुझे एक नोटिफिकेशन मिला करेगी कि जो तू गलती करता है उसी समय सुधार ले, नहीं तो तूफान का ब्लैकमेलिंग हम कर देंगे। तो भाई टाइम हो रहा है दोपहर के 2, सुबह में 10-11 बजे पहुंचना था उधर, पर बैंक वालों ने भाई साहब ऐसी तैसी कर दी बिल्कुल, कभी ये जाओ कभी वो करवाओ, कभी प्रिंटिंग मशीन नहीं चल रही। पापा सुबह से यहीं पर है देख लो तुम, 8-9 बजे से, और बिल्कुल थकान देखो कितनी हो रखी है, पापा के चेहरे से ही दिख रहा होगा तुम्हें। और अब जल्दी से चलते हैं भाई अपना सरप्राइज देने के लिए, और पहले घर चल जाएंगे एक बार ही, उसके बाद पापा एक बार नाश्ता पानी करके उसके बाद निकलेंगे सीधा दिल्ली। ओके मम्मी आते हैं सरप्राइज लेकर आपके लिए, ठीक है भाई? तैयार हो ना? मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, बता दो दे ऐसा क्या है। बस अभी नहीं बता रहे आपको, ले मेरी ये लेना लेना ब्लैक बैग ले ले भाई मेरा, भाई कोई साड़ी सुड़ी लाता हो तो कलर तो मेरा तो लाइट लूट सा देख लियो है। कोई दिक्कत नहीं आपका कलर लाइट ले लेंगे, ठीक है? ले मेरी कटिंग दिखा दे पिछले, ले भाई घूम जल्दी कटोरा कटिंग दिखा दे तेरी, वाओ। सो गाइस फाइनली अपने कैमरा वाले भाई भी आ गए हैं, ठीक है सचिन भाई हैं ये, और ये भाई अपनी टीम में हो गए और यही संभालेंगे अब सब कुछ, कैमरा एडिटिंग वेडिटिंग, तो अभी साथ में जा रहे हैं। फाइनली अभी हम लोग सब निकल चुके हैं, हिमांशु है, सचिन भाई है और हमारे पिताजी है। और भाई आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सरप्राइज आप लोगों ने पहले ही गेस कर लिया, तो भाई बता देते हैं आप लोगों ने सभी ने सही गेस किया कि हाँ भाई कार ले रहे हैं, और बहुत ही टाइम के बाद, बहुत ही सालों के बाद हमारा ये सपना पूरा होने जा रहा है आज फाइनली। थैंक्स अ लॉट सभी के लिए, सभी का दिल से शुक्रिया भाई जी जिसने सपोर्ट किया, एंड थैंक्स टू गॉड।
और भाई कार दिखाएंगे वहीं पर जाकर की कौन सी है। ठीक है चलो गाइस अभी चलते हैं। Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. Finally, हम लोग पहुंच चुके हैं भाई दिल्ली और भाई आज हमारी कार की हमें डिलीवरी लेनी है। अभी नहीं दिखा रही चीते को, मेरे को दिखा रही है। यहाँ पे खड़े लोग नहीं आ रही, क्या आपको करनी है भाई? हमारी साइड में हमारा चीता खड़ा है। ये अभी तुम गैस तो तुमने कर ही लिया होगा कौन सी है, तो अभी इसको हटा के दिखाएंगे कौन सी लग रही है। बता भाई सबको पता है कौन सी है, तुझे कौन सी लग रही है बताओ, तुम बताओ, इतने कमेंट कर दो भाई, जल्दी जल्दी करो। पता लग गई सबको, पता लग गई। चलो पहले अभी दिखा देते हैं कि भाई कौन सी है। ठीक है हमने कार ली है स्काईलाइन कार्स अशोक विहार से और ये यहाँ के ओनर है। कैसे हो भाई साहब? ये इनका ही सबसे बड़ा हाथ है। थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट। इनके भाई जी और ये छोटा सा गुड्डू, कैसा है भाई? और ये हमारे फूफा जी, कैसे सर? थैंक्स अलॉट सर। भाई जिसको भी सेकंड हैंड कार यहाँ से परचेज करनी हो तो वो आराम से परचेज कर सकता है। ठीक है डिस्प्ले पर मैं कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डिटेल सब डाल देता हूँ। ठीक है भाई, ओके। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time. मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि हमने स्कॉर्पियो ले ली। फाइनली हमारी आ गई है भाई स्कॉर्पियो और ये देख लो भाई। तो और ये भाई एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, ये अभी सेकंड हैंड है भाई, तो उसके बारे में भी लंबी कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा पर थोड़ी आगे बताऊंगा क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा काम वाम करवा रहे जल्दी से, तो थोड़ी अभी बता नहीं पाऊँगा। तो भाई छोटे से क्यूट से सरदार जी है और भाई इनके लिए गर्लफ्रेंड देख रहे हैं, कोई लड़की हो तो बताना जरूर कमेंट। अभी हम लोग हैं ऑफिस में और भाई सब कागजी कार्रवाई हो चुकी है, कंप्लीट हो गई ना सर सब? आप ओनर बन गए सर, आप ओनर हो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स अ लॉट भाई, अभी जल्दी से हम इधर से निकलते हैं और चलते हैं भाई गाड़ी की सवारी करने। तो गाइस गाड़ी की चाबी अभी मिल चुकी है और जा रहे हैं भाई फर्स्ट टाइम अपनी ब्लैक ब्यूटी को सड़कों पर दौड़ाने, दिल्ली की सड़कों पर। तो भाई फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं और देख लो भाई अंदर से मेरे को फीलिंग है भाई। और हमारे फूफा जी भी आ चुके हैं, कैसी लग रही है फूफा जी? बढ़िया बढ़िया आ रही है कुछ? बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फूफा जी। फूफा जी मैं भी हूँ, आशीर्वाद ले भाई। बोलो बाके प्यारी लाल की जय। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है भाई साहब, कुत्ती जैसे कहते हैं ना, बड़ी गाड़ी में मैं पहली बार मतलब बैठा तो बहुत बार हूँ फॉर्च्यूनर वगैरह में, लेकिन भाई अपनी है ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। सो गाइस अभी आ गई है येलो बत्ती भाई पेट्रोल की और भाई अभी पहला पेट्रोल अपनी ब्लैक ब्यूटी में, डीजल भाई पेट्रोल डलवा दे तो दिक्कत हो जाएगी, खराब करवाएगा। तो भाई पहला डीजल अपनी गाड़ी में जल्दी से डलवा लेते हैं, उसके बाद हम चाह रहे हैं अभी कैमरा लेने के लिए क्योंकि भाई अब सचिन भाई आ गए तो पूरी प्रोफेशनल तरीके से शूट भाई करते हैं, तो कैमरा बहुत जरूरी है। कैमरा कह रहा हूँ, माइक लेने के लिए, सॉरी माइक, कैमरा तो है हमारे पास, दिमाग पूरा घूमा पड़ा है यार, तू भी चला रहता है यार खुशी में, खुशी में आज मैं पागल हो रखा हूँ, मजाक की बात नहीं है भाई, ड्रीम पूरा हो गया। भैया जी क्या हाल है आपके? बढ़िया है जी, बढ़िया हो, टेंशन में क्यों हो? टेंशन में नहीं है, पहली बार अपनी स्कॉर्पियो को करवाने जा रहे हैं हम फुल।
स्कॉर्पियो ना अपनी ड्रीम कार थी, मतलब कि हमने सोचा होता कि हाँ लेनी लेनी है एक बार तो, और इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, शौक पूरा करना है अपना, और आज फाइनली भाई अपनी स्कॉर्पियो है। इसमें जो जो फीचर वीचर मतलब जो जो मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत हो रखी है वो चीज़ मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में। तो भाई पेट्रोल हो गया पूरा 4800 का और 53 लीटर आया इसके अंदर। भैया पहले पेट्रोल डाला है तो फ्री होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, लेकिन पहले दिन होता है। हाँ पहला दिन है 1 तारीख को। भाई डर क्यों रहे है? क्या सीधा करूं? पूरा डरा हुआ है, अभी पार्क कर रहे हैं, पूरी भरी पड़ी है, हम बिल्कुल नीचे आ गए। 5000 गाड़ियाँ लगी हुई है, फाइनली अपनी हो चुकी है पार्क। आखिरकार मैंने गाड़ी पार्क करी थी और भाई इतनी नीचे पार्किंग यार, अब हमें ऊपर जाना है। भाई साथ ही साथ एक जरूरी बात की, अभी तक ना मम्मी को बताया नहीं है कि हमने स्कॉर्पियो ले लिया है, ठीक है, तो घर पे जाएंगे, उसके बाद मम्मी को बिल्कुल सरप्राइज, तगड़े वाला सरप्राइज मिलने वाला है, तो रिएक्शन देखने में बहुत ही मजा आएगा। बिल्कुल सामने लाल किला है और अभी हम यहाँ जूस पी रहे करने का। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने ले लिया है हमारा रोड का माइक और अब करेंगे भाई कैमरे से व्लॉगिंग शुरू। जो मतलब दिल्ली में रहते हैं ना वो लोग बहुत कम आते हैं रेड फोर्ट, बस यहाँ पे काम से ही आते हैं, और बाहर के लोग स्पेशली देखने के लिए भी आते हैं, मतलब जब मैं दिल्ली नहीं रहता उसको मैं देखने के लिए भी आता था रेड फोर्ट, और बड़ा ही सुंदर नजारा। सचिन भाई ने मार दिया कार को धक्का, पावर देखो, बाहुबली देख के आए हो, सचिन भाई मल्टी टैलेंटेड है, कोई दिक्कत, बस बस बहुत है बहुत है। गर्म हो गए होट, गर्म हो रखी है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा देर हो गई, ये लाइट से बढ़िया लग रही है देखो रेड सी या नहीं, आज ही लिए तो धीरे धीरे सब काम होगा, ठीक है। अब तुम्हें सीधा घर पे पहुंच के मिलते हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं। गाइस नॉर्मल एम्बुलेंस तो बहुत ही सारी देखी होगी, पर हमारे सामने जो आप देख रहे हैं वो देखो गाइस काओ एम्बुलेंस, इस पे नंबर दिखा दो भाई, जो भी भाई सेवा करने चाहेगा गौ के, और अभी देखो पूरा इसमें सायरन बज रहा है और जल्दी जल्दी गौओं को लेकर जा रहे हैं गौ माता को, क्योंकि गौ माता को कुछ चोट वोट ऐसे लगी होगी कुछ, तो भाई थोड़ा जूम करके नंबर डाल दे भाई सभी, लो भाई नंबर देख लो, और जय गौ माता, जो भी गौ माता है वो जल्दी से ठीक हो जाए, बोलो गौ माता की जय हो। तो भाई अभी हम पहुंचने वाले अपनी सोसाइटी में और कति भाई एक नंबर स्वाद आ रहा है भाई, एक नंबर मजा आ गया, पापा जी कैसे लगा? फर्स्ट क्लास भाई, बिल्कुल यूं लग रहा है प्लेन में बैठे हैं, जहाज में आ गए भाई, जहाज में आ गए, कति स्वाद आ गया, ड्रीम जो था ना पूरा करने जा रहे हैं सोसाइटी, घुमा दे भैया से राइट से, राइट से भाई राइट से, स्टिकर क्या रुक जाने दो भैया जी, भैया नई गाड़ी आ गई, नई गाड़ी ले आए, भूल गए क्या, ये भैया पहचान के, नई गाड़ी भैया, अभी का सीन ये है कि मम्मी का रिएक्शन, भैया अभी रात हो गई है और ये अपनी ब्लैक ब्यूटी है, तो रात को यार मजा सा नहीं आएगा, तो मम्मी का ना भी कह देंगे कि जो सरप्राइज था ना वो बना नहीं, वो दो चार दिन में होएगा, बात की टाल देंगे, और भाई कल सुबह मम्मी का रिएक्शन लेंगे, मम्मा का यूं कहेंगे वो नहीं बनी बात, नहीं मिलता सरप्राइज, कैंसिल हो गया प्लान, ठीक है भैया। तो बाकी इस वाले ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि घर जाके ना हमने कुछ ऐसा कुछ बताना नहीं है सीन, ठीक है, गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहे ससुर, जय भोलेनाथ। गाइस अपनी यार ब्लैक ब्यूटी का नाम भी बताना, कोई बढ़िया सा भाई नाम बताओ इसका, कोई नाम रखेंगे गाइस, ओके लव यू, बाय बाय, ऐसा भीग गया पूरा, बारिश आ गई बाहर।